कल बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है और उनके उपलक्ष्य में हम हर साल ये कार्यक्रम करते हैं और पिछले 5 टर्म हो गए, ये छठवा है तो 6 टर्म से हम कर ही रहे, तो ये हर साल हमारा होता है ये प्रोग्राम। सर, यहाँ पर किन किन लोगों को सेलिब्रेट किया जाएगा अवार्ड देकर? अभी हमारे चीफ गेस्ट है वो महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन है रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के टाटेड जी, वो अभी आएंगे कुछ देर में, मेन वो हैं। और फिर कुछ हमारे अमेरिका के मेंबर आए हैं, माइकल वो हैं, और ब्रिटिश हाई कमीशन से भी एक गेस्ट आए हुए हैं, और उसके अलावा फिल्म सेलिब्रिटीज़ होगी, तो इन लोगों को हम सम्मानित करते हैं। फिर IIT से भी रजिस्ट्रार आ रहे हैं, इनको भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं। सर, 133वीं जयंती है बाबा साहब अम्बेडकर जी की, कितना इम्पोर्टेंट है कि आज के दिन भी उनको उतने ही सम्मान से याद किया जाए? तो बाबा साहब को यहाँ से सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही मनाया जाता है, ये पूरे वर्ल्ड के आइकॉन है और पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। आप देखोगे तो जापान से लेके बहुत जगहों पे उनके फंक्शंस बनते हैं, और ये एक ही ऐसी व्यक्ति है जिनके लिए कम से कम 1.5 महीने तक इनकी जयंती चलती है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड के उपलक्ष्य? बाबा साहब, हमारा जो अवार्ड है IHRC की तरफ से, ये छठा अवार्ड है क्योंकि कुछ दो अवार्ड हमारे कोविड की वजह से नहीं हो पाए थे, तो इस उपलक्ष्य में हम छठा अवार्ड अब कर रहे हैं और आगे चल के भी हमारा जो ह्यूमन राइट्स है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल है, वो आगे चल के भी सब जनता के लिए हमेशा योगदान देता रहेगा और ह्यूमन राइट के लोगों को जो वायलेंट है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आज के अवार्ड शो में यह कहना चाहूँगा, जिस तरीके से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल काम कर रहा है जो समाज को जागरूक करने के लिए, इस तरह की संस्थाएं बहुत कम हैं, बहुत सारी इन्हीं के नाम से बहुत सारी संस्था चल रही हैं पर वो जो काम नहीं कर पा रहे हैं। मैंने ह्यूमन राइट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो सनी शाह को देखा है, परसों से मेरे ये 15 साल पुराने दोस्त हैं, पूरे हिंदुस्तान में पब्लिक को जो जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जो सरकारों को करना चाहिए, आज ये मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, ये देखा है कहीं पर भी कहाँ हम ह्यूमन राइट इंटरनेशनल काउंसिल से जुड़े हैं, और वो लोग जब बताते हैं, और एक छोटे से गांव में भी अगर किसी का नाम सुनते हैं इस तरीके का, तो बड़ा दिल को खुशी होती है कि ऐसी संस्था को आगे बढ़ाना चाहिए जो लोगों को जागरूक करे, जिनको अपने अधिकारों के बारे में मालूम नहीं है, जिनको अपने पावर के बारे में मालूम नहीं है, उनको अगर जागरूक करते हैं तो वो भी 2-5 जन को भी अगर बोलेंगे उसमें से 2 जने निकलते हैं, इसी तरीके से लोग जागरूक होंगे, क्योंकि अधिकतर लोग हमारे जो शिक्षित लोग हैं जो गांवों में बसते हैं, उनको अपने राइट्स ही नहीं मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे समाज को आगे लाने के लिए, कैसे बुराइयों का हम सामना करने के लिए हमारी बातों को आगे लाना चाहिए, वो ह्यूमन राइट काउंसिल कर रहा है। इसलिए इसी उत्सव में सनीसा की पूरी टीम को, इस पूरी ह्यूमन राइट्स को तहे दिल से मेरी ओर से, ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट की ओर से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मैं
राष्ट्रीय संयोजक हूँ विचार विभाग का, उसकी ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज इस अवार्ड फंक्शन में जो मुझे बुला के मेरा सम्मान किया गया, उसके लिए मैं तहे दिल से पूरी कांग्रेस की ओर से, पूरी मेरी ऑल इंडिया यूनाइटेड किचन फ्रंट की ओर से तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अवार्ड हुआ है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अवार्ड से नवाजा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बाद? पहले सबको बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती का शुभकामनाएं है। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, मैं कलकत्ता से आया हूँ और एक बौद्ध भिक्षु बनकर बाबा साहेब डॉक्टर बी अम्बेडकर जी के नाम पर जो अवार्ड हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का तरफ से डॉक्टर शानी शाह जी का नेतृत्व में इधर आज जो मुंबई में दे रहा है, इसलिए मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर ये भगवान गौतम बुद्ध का एक उन्नतम शिष्य था। उन्होंने कोशिश किया, जन्म कहा हुआ यह बड़ा बात नहीं है, हम लोग का काम से अपना को विकसित करना पड़ेगा। भगवान गौतम बुद्ध ने जिसे बोला आत्मदीपा विहरता आत्मा शरणा न शरणा, ऐसे आत्मदीप भव, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उन्होंने आत्मदीप भव बनकर ये हमारा भारत का एक गणतांत्रिक राष्ट्र का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रचना किया और हर धर्म को हर वर्ग को अधिक सर देने के लिए राइट देने के लिए ये हमारा संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने कोशिश किया। इसलिए आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम पर जो नोबेल अवार्ड दे रहा है, इसलिए मैं सानी शाह जी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हर नेतृत्व को मैं शुभकामना के साथ उनको अभिनंदन देता हूँ। यशमान है, मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को हेलीकॉप्टर दादा के नाम से पहचानते, मुझे हेलीकॉप्टर दादा के नाम से पहचानते। मैंने रस्ते के जितने भी बच्चे लोग हैं, उन कैंसर बच्चे हो गए, उनको चार्टर्स में हेलीकॉप्टर में घुमाया हूँ। ताज होटल हिंदुस्तान में मैं ऐसा लड़का हूँ जिनने बच्चों को ताज होटल में खाना खाया हूँ, खिलाया हूँ। देन हम लोग ने किसानों को पीने का पानी दिया। अभी रिसेंटली मेरे वीडियोस पे 50 मिलियन व्यूज़ गए, मीन्स वो जो किसान है जवार में, वो कुएं में मतलब आत्महत्या कर रहे उड़ी मार के, ऐसा सिचुएशन था। तो हम लोग ने 10 टैंकर पीने का पानी दिया, सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन किए। फिर वोसे विरार में हमारा बहुत एग्रेसिव काम है, जो रस्ते में बच्चे पैसे मांगते उनको हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। आज 100 के ऊपर बच्चे फ्री में स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हम कर रहे हैं, मतलब वोसे विरार मुंबई हो गया, ऑल ओवर इंडिया हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि जो हिसाब से अभी अवार्ड फंक्शन जो यूथ के लिए रखा है, वो बहुत मोटिवेशन है कि आज हम लोग को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि हम और लोगों को मदद करें। तो बहुत सारी चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी यूथ और जितने भी लोग देख रहे, आप यूथ आगे आइए इंसानियत के लिए। आज इंसानियत मर गई है, लोग अपने बारे में सोचते, लेकिन हमने पास से देखा है कि क्या तकलीफ़ होता है, कि कितना तकलीफ़ है हमारे देश में। मैंने तो ऐसे डेड बॉडी उठाए कि जो रस्ते में पड़े, लेकिन आजू बाजू के लोग देख रहे नहीं। मेरे ये सब वीडियोस बहुत आए हैं, मुझे उस कैनेडा में अवार्ड भी मिला है उस चीज़ के ऊपर। तो मैं HRC या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड काउंसिल को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आपने इतना अच्छा अवार्ड दिया। हम और अच्छा काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है और आपने जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के दिन दिया है, उन्होंने जो सिखाया है बीइंग एन राइट ह्यूमन, एंड हमारी इंस्टीट्यूट भी जो चला रही है वो ह्यूमन राइट्स पे। हम जानते हैं कि समाज में बहुत सारे आजकल एवरेशंस जो चलते हैं, उसके बारे में भी संस्थाओं को इस तरह से काम करना पड़ता है और सोसाइटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो ये अवार्ड जो ये 13 अप्रैल को दिया गया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर नॉट फॉर मी ओनली, इट इज़ फॉर द एंटायर इंस्टीट्यूट। IIT बॉम्बे जो एक जानी मानी संस्था है, वहाँ पर आपने हमें इस तरह का रिकग्निशन दिया है कि बाबा, इट इज़ एन मोटिवेशन टू ऑफिसर्स और व्होएवर एम्प्लॉइज डज द वर्क। ये मोटिवेशन है सबके लिए, ये मोटिवेट किया है आप लोगों ने हमें बाबा साहब के जन्मदिन के जन्मदिन पर। इसके लिए पहले तो मुझे संस्था आप लोगों को ही धन्यवाद देना पड़ेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद।
जी 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 आई एम क्वाइट ऑनर्ड एंड यू नो इट्स अ ग्रेट मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर मी बिकॉज गेटिंग दिस अवार्ड इज अ बिग ऑनर एंड लाइक जब मुझे इसके बारे में बताया गया था आई गॉट अ इन्फॉर्मेशन दैट यू नो आई एम गेटिंग दिस अवार्ड ऑलमोस्ट लाइक 1.5 मंथ्स बैक तो थोड़ा थिंकिंग नहीं हुआ था देन फिर मुझे लाइक रियलाइज हुआ देन यू नो आई एम गेटिंग दिस मेरे एक जो वन ऑफ माई कोलीग्स अरुण बख्शी अरुण जी सर सो ही इज़ ऑल्सो गेटिंग द अवार्ड सो ही टोल्ड मी दैट यू नो अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट एयर मतलब वो दिल्ली में है ही इज़ डूइंग सम फिल्म वर्क देयर तो ही टोल्ड मी दैट आप जाइए और अवार्ड लेके आइए और मेरा भी अवार्ड लेके आइए सो आई वॉज लाइक लिटिल नर्वस ऑल्सो बट आई वॉज वेरी हैप्पी Yeah, so there are a lot of projects which are coming. I would just like to share that, you know, I am definitely going to share when the announcement is made. And as of now, I have done web series, I have done TV shows, I have done movies also. And mere projects ho gaye hain, post-production mein hain, and you know, it's they're going to be releasing soon. So I'm quite excited and I hope that, you know, jab wo aa jayenge, then I'll make a formal announcement. Thank you. Thank yeah. you. थैंक यू सर बहुत अच्छा लगा मेरे को मेरा फर्स्ट अवार्ड है मैं नो होटल में मुंबई जुहू बीच में मास्टर शेफ हूँ बहुत सारे लोग आते हैं बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं वो खाना खाते हैं स्वादिष्ट खाना खाते हैं फिर लोगों ने बताया कि यहाँ अवार्ड सेरेमनी है हम आपको नॉमिनेट करेंगे तो सोनू सर ने मेरा नॉमिनेट किया और ये अवार्ड ले के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आई एम रियली एक्साइटेड थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू सो मच थैंक यू सबको नमस्कार मैं स्वीटी ओडिशा से हूँ और आज वुमेन डेट्स काउंसिलिंग आज मीटिंग हुआ था यहाँ पे हर देश के लोग आए थे यहाँ पे हम खुद प्राउड फील कर ले इतना हम लोग को इतना आज इतना अच्छा सुजग मिला है हम लोग को वुमेन डेट्स के बारे में काम करने के लिए मैं सनी साह को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी और मुंबई वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी जरूरी है देखो जब बच्चा जन्म होता है जन्म से मृत्यु तक सबका अधिकार होता है अधिकार होना जरूरी है आज की तारीख में महिला का जो अधिकार क्यों ना होता है उसके ऊपर भी काम करना चाहिए और महिला की जो सशक्तिकरण होता है उनके ऊपर भी काम करना चाहिए और सबको ह्यूमन राइट्स के बारे में जानकारी भी होना चाहिए ये तो बहुत अच्छा है कि आज 13 तारीख को ऑन द यू ऑफ 14th जो कल इतना बड़ा अपना त्यौहार है बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने जिसने आज अपन उनको मानते हैं कि आज वो फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है उनके जन्मदिन के ऊपर इतना बड़ा अवार्ड दिया जा रहा है और दूसरी बात है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल जो काम कर रहा है रियल में इट इज़ वेरी गुड वर्क व्हाट दे आर डूइंग फॉर सोसाइटी रियली उन्होंने बता दिया कि वो पब्लिक को हेल्प करते हैं कि उनके राइट्स कैसे वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते इसको समझ इश्यू नहीं कर सकते उनको हेल्प कर सकते ये भाई रियली व्हाट वर्क दे आर डूइंग इज विद इन फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ एंड दैट वी एक्सपेक्ट और हम यही चाहते हैं कि ऐसे अच्छे एनजीओ आवे हमसे भी मिले हम भी उनके साथ में काम करने की तैयार है क्यों कि आज चेयरपर्सन ऑफ महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन मैं एक बताता हूँ हम जो सोशल वर्क करते हैं उसके लिए हमको एनजीओ की हेल्प के बिना करना बहुत मुश्किल जाता है इसलिए बहुत अच्छा है आज जो अवार्ड दे रहे हैं और ये बात सही है कि जो अच्छा काम करता है उनको रिकग्नाइज मिले तो और वो अच्छा काम करता है और वो अपने सुनील भाई कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है इसके बारे में सुनील सर यहाँ पर सर का आना ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए बस यही मैं बोलना चाहूँगा बहुत उम्मीद थी और सर आ गए बस यही बहुत है नमस्कार नमस्ते मेरा नाम है डॉक्टर उषा नायर आई एम फ्रॉम मुंबई मैं यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से ही नहीं मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल से जुड़ी हूँ पिछले 2016 से जो मेरा फर्स्ट बाबा साहेब अम्बेडकर अवार्ड था एंड उस दिन से आज तक इतने बदलाव हुए हैं मुझे इतने मौके इतने पायदान मिले हैं कि राइट फ्रॉम बीइंग जस्ट अ जॉइंट सेक्रेटरी ऑन अ हम कहते हैं ना लोकल एरिया का बोर्ड वहाँ से लेके आज आई एम अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन एंड इस
एनजीओ को और इसके इनिशिएटिव्स को, स्पेशली जो मैंने कहा मेरे स्पीच में कि दी स्टेटमेंट जो हम देते हैं पब्लिश होने के लिए यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे, वो भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गया है एंड दैट गॉट एक्सेप्टेड, जो हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखने वाली बात है. आई हैव बीन स्पीकिंग एट द यूनाइटेड नेशंस ऑन देयर पैरेलल कॉन्फ्रेंसेस. इस साल मेरा थर्ड ईयर इन अ रो हुआ, बट 2017 इज फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैड बीन टू द यूनाइटेड नेशंस इन द यूएस एट देयर न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर्स टू फिजिकली पर्सनली अटेंड द कॉन्फ्रेंस. तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर अवार्ड, सो आई कम फ्रॉम द ऑर्गेनाइजिंग बोर्ड. मैं यहाँ अवार्ड ही नहीं हूँ, हम लोगों को अवार्ड देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका काम का सम्मान करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनको सिखाते हैं क्या करना है, किस लेवल पे करना है, क्यों करना है और किस तरीके से बिना किसी भेदभाव के करना है. एंड जो इवन यूनाइटेड नेशंस के हमारे जो 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं उनको अचीव करने में हम इंडिया से हर एक छोटे से छोटे शहर से लेके राइट इंटरनेशनली आज हम 13 कंट्रीज़ में हैं, वो पूरा काम धीरे 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 कर रहे हैं. 14 साल बहुत बड़ी बात है किसी भी एनजीओ को सस्टेन होके कंटिन्यूसली ऐसे अवार्ड्स करके, रिकग्निशन करके, लोगों को जुड़ा के, उनके साथ हाथ में हाथ मिला के काम करने में. सो इट मेक्स मी वेरी प्राउड टू बी प्रेजेंट हियर, इट मेक्स मी वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड हियर एंड इट मेक्स मी इवन प्राउड कि मैं सनी शाह के साथ में, सनी सर के साथ में मिलके काम कर पा रही हूँ एंड आई एम एबल टू टेक दिस एनजीओ फर्दर. थैंक यू. ये बहुत बड़ी प्राइड की बात है, बिकॉज़ अगर हम एक सोशल एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर है जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको सबके लिए कंपैशन था, जिनको सबके लिए प्रेम था इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, चाहे वो कोई छोटा हो या चाहे वो कोई बड़ा हो, तो वो एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए. तो ऑफकोर्स उनके नाम का एक अवार्ड मिलना जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, बिकॉज यही सब चीज़ें हमें मोटिवेट करती है कि हम सबको एक समान माने. जो लाइफ बहुत शॉर्ट है, तो जो भी गोल्स हैं जो हमको बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति और लीडर्स और जो संत भी हैं इतने सारे हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो हमको सिखा कर गए, वो हम इस कलयुग में उसको पूरा करें. सो थैंक यू. बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और आपको मौका मिला इस शो को होस्ट करने का, कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में? सो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये मेरा 6th ईयर है कि मैं बाना अवार्ड्स होस्ट कर रही हूँ और ट्रस्ट मी हर साल ये एक्सपीरियंस और बेहतर होता चला जाता है क्योंकि इस अवार्ड में जो कि ये अवार्ड है ये IHRC प्रेजेंट कर रहे हैं, डॉक्टर सनी शाह हैं जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है. बहुत बड़ी बात है कि IHRC पूरी दुनिया में, IHRC के जो मेंबर्स हैं वो 15 लाख हैं और ये बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और ये अवार्ड उन्हें दिए जाते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने अपने क्षेत्रों में. तो ऑफकोर्स ये देखना कि कौन कितनी क्या मेहनत कर रहा है और ऑल्सो IHRC के मेंबर्स पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं, जैसे वी हैव जॉन टुडे, वी हैव माइकल टुडे, तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है. और IHRC जो काम कर रहा है समाज में, आपने सुना ही होगा IHRC लोगों की मदद करते हैं, किसी को अगर लेटर लिखने की हेल्प चाहिए तो वो करते हैं, किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो देते हैं, तो एक तरीके से ये एक दुनिया को बेहतर दुनिया बना रहे हैं. तो मैं जब भी हर साल आती हूँ तो मुझे और कुछ बेहतर देखने को मिलता है और एक बेहतर समाज मिलता है. सो अब इससे अच्छा, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ. सो इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू होस्ट द प्रेस्टिजियस बाना अवार्ड एंड आई विल कीप ऑन डूइंग टिल सनी जी कॉल्स मी. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तब से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सनी शाह साहब और उनके छोटे भाई साहिल शाह साहब और हमारी भाभी जी और पूरा परिवार, चूँकि मैं शाह परिवार का एक हिस्सा हूँ, तो जब हमारी ये संस्था शुरू हुई थी आज से कई साल पहले तो सनी साहब ने कहा था कि हमें एक संस्था बनानी है जिसका नाम रखेंगे हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल. तो मैं इस संस्था का फाउंडर मेम्बर हूँ
और हमेशा हम लोग अवार्ड करते हैं, साल में 4 अवार्ड करते हैं। अभी कोविड में हमारे अवार्ड बंद थे। और मेरा नाम रामा मेहरा है, मैं चूँकि फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, मैं एक्टर हूँ, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ और फिल्म इंडस्ट्री की कमेटी में भी हूँ। और चूँकि ये हमारा परिवार का प्रोग्राम है तो ये कहीं भी हो, चाहे हम मुंबई में करें, गुजरात में करें, राजस्थान में करें, मुझे जब जैसे मेरी शूटिंग से मैं फ्री होता हूँ तो मैं ज़रूर जाता हूँ। तो ये मैं बहुत खुश हूँ। और चूँकि अभी नए नए मेंबर्स हमने लिए हुए हैं तो हम उनको मोटिवेट करते हैं, नए मेंबर्स को, क्योंकि मैं अब सीनियर हो गया हूँ तो इस बार मैं माइक नहीं लिया है अभी मैंने, तो जब हमने बहुत बड़े बड़े फंक्शंस किए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आने वाली जो जनरेशन है, जैसे अभी सनी साहब ने अपने छोटे भाई को साहिल शाह को अपनी पूरी जिम्मेदारी दे दी है, तो ऐसे मैं भी चाहता हूँ कि जो और भी मेंबर्स आए नए नए और ये संस्था के लिए काम करें और पूरे देश में काम करें। और हमारी संस्था ये देश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर कई कंट्रियों में भी काम करती है। और आज आप देख रहे हैं कि कई कंट्रियों के जो प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी, उन सबको हमने इनवाइट किया हुआ है दोस्तों। तो मैं यही ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब मीडिया के लोग, मैं तो आप लोगों से रूबरू होता रहता हूँ, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे और हम और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस संस्था को और आप सबका ऐसे सहयोग लेते रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, फिल्म इंडस्ट्री जिंदाबाद। नहीं, बहुत ही एक्चुअली बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, अम्बेडकर जी के नाम का अवार्ड मिल रहा है, वो इतने जाने माने, इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी हस्ती हैं। और कहीं ना कहीं हर अवार्ड इम्पोर्टेंट रहता है, अच्छा लगता है कि हर कोई अवार्ड मिले इंसान को, लेकिन ये एक स्पेशल अवार्ड है क्योंकि उनके उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में दुनिया जानती है, जो उन्होंने राइट्स के लिए कितने बड़े बड़े, जो सबसे पहले तो बड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था और उन्होंने लिखा था खैर। और आई एम रियली फीलिंग ऑनर्ड कि मुझे ये अवार्ड मिल रहा है और डेफिनेटली इट हैज़ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट एज वेल एज इन माय वार्डरोब। और थैंक यू सोनू भाई मुझे इनवाइट करने के लिए इस फंक्शन में और मुझे रिकमेंड करने के लिए। और माई बेस्ट विशेज़ टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल और जितने भी सारे इसके टीम मेम्बर हैं, प्रेजिडेंट्स हैं, ग्राउंड पे जो वर्कर हैं, कि बेसिकली ग्राउंड पे काम करने वाला जो रहता है वही सबसे ज़्यादा काम करते हैं, दोनों भाई, बाकी सारी पूरी टीम जितने भी है यहाँ पे, माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ देम। मैं ऑलरेडी मतलब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के आज से नहीं, जबकि मेरे हिसाब से मुझे जो कि 10 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, मैं मतलब हर छोटी चीज़ में उनके साथ एसोसिएट हूँ और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि ऐसे अच्छे लोग आते रहें और ये अवार्ड फंक्शन ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू सो मच सर, इनवाइटेड मी हेयर। और मुझे तो पता नहीं था, मैं मुंबई में नहीं आई हूँ, 1 मंथ हुआ है मुझे और अभी मेरी एक्टिंग ट्रेनिंग ख़त्म हुई है। सो या आई एम सो लकी टू हैव ऑफकोर्स, इट्स अ सीक्रेट एक्चुअली, आई लव टू शेयर बट आफ्टर अ मंथ यू विल कम टू नो फॉर श्योर।